डायबिटिक रेटिनोपैथी या डायबिटीज़ का आँखों पर असर। लंबे टाइम तक डायबिटीज़ बढ़े रहने से आपको मोतियाबिंद जल्दी आता है, ग्लोकोमा जल्दी आता है, और आँख का जो पर्दा है जिसे हम बोलते हैं रेटिना, जिस पे सॉरी सारी दुनिया की पिक्चर बनती है, उस रेटिना की जो धमनियाँ हैं, आर्टरीज हैं, शिराएँ हैं, उसके ऊपर असर आता है। धीरे धीरे खून के धब्बे जमने लग जाते हैं और कई शिराएँ फट जाती है, हैमरेज हो जाता है, उनमें कुछ एक्सुडेट्स जमा हो जाते हैं, जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी के नाम से जाना जाता है। ये डायबिटिक रेटिनोपैथी टाइप 1 डायबिटीज़ में, बच्चों वाली डायबिटीज़ में तो लगभग 5 से 10 साल के बाद आती है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में शुरुआत से आने की संभावना होती है। तो हर टाइप 2 डायबिटिक में या बड़ी उम्र वाले डायबिटीज़ लोगों में हम शुरुआत में और साल में कम से कम एक बार ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके आँखों पे पर्दे पे कोई डायबिटीज़ का असर तो नहीं आया या डायबिटिक रेटिनोपैथी तो नहीं हो रही। अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रही है तो कैसे उसे रोका जाए? अच्छा शुगर कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करें, और आँख के जो डॉक्टर हैं, रेटिना डॉक्टर हैं, उनके पास हम आपको रेफ़र करते हैं, और जो भी विशेष उपचार वो बताते हैं उसमें आँख के अंदर रेटिना पे कुछ इंजेक्शन लगाना, नस के अंदर कुछ इंजेक्शन लगाना, फोटोकोगुलेशन लेज़र थेरेपी करना या अन्य प्रकार के साधन जो भी डॉक्टर बताते हैं उसका पालन करना जरूरी होता है, ताकि आपकी दृष्टि को बचाया जा सकता है। एक बार अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत ज़्यादा घर कर जाती है तो फिर उसे रोकना मुश्किल होता है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया भर में जो अंधता के कारण हैं उनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी दूसरे स्थान पर आता है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी को रोका जा सकता है, प्रभावी रूप से रोका जा सकता है, अगर आप शुरुआत से इस पर ध्यान दें।